जब से ये बीजेपी आई है, जब से जातिवाद ही हुआ है। सही बात है। उससे पहले कहाँ था? कांग्रेस के टाइम में आपने देखा क्या? नहीं, कांग्रेस के टाइम में कभी राम मंदिर का मुद्दा उठता था क्या? दोस्तों, वो बोलते हैं ना, अगर कोई चीज के बारे में फीडबैक लेना हो तो गरीब आदमी से बात कीजिए, वो बिल्कुल परफेक्ट जवाब देगा। उसे मालूम है गरीबी और महंगाई क्या होती है। हाँ, कोई अनभक्त से सवाल पूछने मत लग जाना, नहीं तो वो मंदिर को लेकर बढ़ जाएगा। खैर, ये दो गरीब भाई बीजेपी के बारे में क्या बोल रहे हैं आप सुनिए। कांग्रेस के टाइम में आपने देखा क्या? कांग्रेस के टाइम में कभी राम मंदिर का मुद्दा उठता था क्या? राम मंदिर का मुद्दा तो जब भी राजीव गांधी के टाइम में भी था, उन्होंने मंदिर को खुलवाया था, लेकिन जब तो उतना दंगा फसाद नहीं होता था। अभी क्यों होता है? अभी क्यों पथराव होता है? अजमेर में तो नहीं होता है, हिंदू मुसलमान सब एक रह रहे हैं। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। देखो, धर्म के नाम में महत्वपूर्ण तो यह है कि जैसे मान लो कि आप राजनीतिक में जो आप धर्म के नाम से उसको वोट लेना चाहते हो, ये तो सही नहीं है। आप वैसे स्टैंड वो होना चाहिए जो जैसे देश के अंदर विकास होवे, तरक्की होवे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन मोदी जी ये कहते हैं कि मैं आने के बाद ही विकास होया देश का, तो पहले विकास नहीं थे क्या? या बॉम्बे का गांव था, या दिल्ली गांव था, या फिर ये अभी विकास हुए क्या? पहले कुछ नहीं हुए थे क्या भाई? पहले भी काम होते थे, लेकिन यह है कि सब अपने अपने तरीके से देश को चलाते हैं, ये अपने दिमाग से चला रहा है। वाह मोदी जी, वाह वाह। अभी ये बीजेपी वाली अभी जो दलितों में घुसपैठ अभी चालू हुआ, उससे पहले नहीं था। अभी जो अभी आ रहा है ना, जो माहौल देखते हुए अब दलितों में भी घुस रहे, नहीं तो पहले कहाँ था ये? तो कामयाब हो रहे हैं? नहीं, कामयाब तो वो तो समय बताएगा। वो तो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब वो तो देखो, आप जैसे न्यूज है या कोई चीज है घुस रहे, अब उनको कुछ डर लग रहा हो या कुछ ऐसा होगा तो दलितों में भी घुसेंगे। उनको तो सीट, उनको तो कुर्सी चाहिए। महाकाल का लौटे।